हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा एएसओ जूनियर क्लर्क एंड अदर पोस्टों में जो बहाली निकाला गया है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसका हम शॉर्ट नोटिस जानेंगे, इसका फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, इसका अप्लीकेशन फी क्या है, इसका एज लिमिट क्या है और कौन से पोस्ट पर कितने पद यहाँ पे खाली है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसे बताएंगे कि किस प्रकार इसका हम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो चलिए, यहाँ पर जो इसका इम्पोर्टेंट डेट है वो यहाँ पे 29/1/2024 से इसका फॉर्म फिलअप होने के लिए स्टार्ट किया जाएगा और यहाँ पे लास्ट डेट जो है 15/1/2024 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। यानी कि 15 से 16 दिन का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है कि आप आसानी से इसका जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है लास्ट डेट जो है 17 तारीख तक दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप 2 दिन के बाद भी पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात कर ले, तो यहाँ पे देखेंगे पोस्ट के अनुसार यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखा गया है, जो कि अदर पोस्ट के लिए जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए जो है यहाँ पे 600 रुपया रखा गया है और SC ST कैंडिडेट वालों के लिए जो है वो 150 रुपया रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर पोस्ट ऑफ अटेंडम पोस्ट की बात कर ले, तो यहाँ पे उनका जो फी रहने वाला है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया रहने वाला है और यहाँ पे SC ST कैंडिडेट वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है। तो चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात कर ले, तो यहाँ पे देखेंगे 28 संख्या नंबर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे 1/1/2024 का जो है यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट जो है 21 से 37 वर्ष रखा गया है और इसमें भी यहाँ पे एज रिलेक्शन का यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे काउंट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे 1/8/2023 के अनुसार यहाँ पे आपको काउंट किया जाएगा, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष। एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे देखेंगे संख्या 2/2024 में जो है इनका जो है 18 से 37 वर्ष रखा गया, मिनिमम जो है वो यहाँ पे 18 रखा गया और 37 जो है 37 रखा गया है मैक्सिमम, जो कि यहाँ पे 1/8/2023 के अनुसार इसका जो है गणना किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे पोस्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और कितने पोस्टों में खाली है, उनका क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, ये यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर ASO के लिए जो है 50 सीट का यहाँ पे बहाली निकाला गया है। जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री एंड एनडीए स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे असिस्टेंट केयर टेकर ACT के लिए जो है यहाँ पे 4 पोस्टों में बहाली निकाला गया है, दोनों के लिए जो है क्वालिफिकेशन एक ही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर क्लर्क का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है, जो कि यहाँ पे 19 पोस्टों में बहाली निकाला गया है और इनका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है 10+2 यहाँ पे रहने वाला है, ऑल इंडिया किसी भी बोर्ड से है तो इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिपोर्टर का यहाँ पे बहाली निकाला गया है, जो कि 13 पोस्टों में बहाली निकाला गया है। इनमें जो है बैचलर डिग्री यहाँ पे खोजा गया है, इसमें कोई भी कैंडिडेट इसमें बैचलर डिग्री यहाँ से किए हुए इंडिया यूनिवर्सिटी से तो आप इसका जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो है हिंदी सेंटर में 150 WPM और हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद जो है पर्सनल असिस्टेंट का यहाँ पे 4 पोस्टों में बहाली निकाला गया, जो कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक ही रहने वाला है और यहाँ पे जो है हिंदी सेंटर और 100 WPM में और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो है 30 WPM में होना चाहिए। इसी प्रकार सेंट्रोग्राफर का यहाँ पे 5 पोस्टों में बहाली निकाला गया है, उसी के अनुसार जो है क्वालिफिकेशन रहने वाला है। और यहाँ भी अब आते हैं 10th पास जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट निकाला गया है, 1 पोस्ट के लिए बहाली। उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर अटेंडेंट दरबार के लिए जो निकाला गया है 2 पोस्टों में बहाली निकाला गया है और ऑफिसर अटेंडेंट माली के लिए जो है यहाँ पे 1 पोस्टों में बहाली निकाला गया। ऑफिसर अटेंडेंट यानी सफाई कर्मचारी का जो है यहाँ पे 6 पोस्टों में बहाली निकाला गया है। ऑफिसर अटेंडेंट यहाँ पे 4 पोस्टों का बहाली निकाला गया है
तो इसी प्रकार देखेंगे नीचे कैटेगरीज वाइज भी पोस्ट दिया गया है। तो चलिए इतना हम बताने लगेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है इसका हम फॉर्म अप्लाई करके बताते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है अगला इंटरफेस देखेंगे इस प्रकार जो है खुल के आ चुका है। यहाँ पे बिहार विधानसभा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे अप्लाई नाउ अभी आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है अगला इंटरफेस देखेंगे इस प्रकार जो है खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे 5 स्टेप में आपका फॉर्म जो है पूरा किया जाएगा, जो कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे आपको दस्तावेज को यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे खोजा गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप भुगतान करेंगे, एप्लीकेशन फी कितना है वो पे करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ से अपना जो है रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम इसका हम तो देखेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना टाइटल चुन लेंगे, कौन से टाइटल आपके अनुसार सुटेबल है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे पूरा नाम को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसी नाम को यहाँ पे कंफर्म करना है और एक ईमेल आईडी आपको फिल करना है इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपका उच्चतम योग्यता क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन है या तो पास 10+2 है या तो 10th क्लास पास है, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप बिहार सरकार कर्मचारी में लगातार 3 साल सेवा पूरी किए हैं, यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक थे, तो थे तो यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद क्या आप विकलांग हैं, हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका एज क्या है वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही आपका एज जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो चलिए हम हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एज भी आ चुका है यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद। उसके बाद जो है आपको एक मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद जो है सेंड ओटीपी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पे रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है देखेंगे आपका जो है यहाँ पे से एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद इसे हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन टू कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से फिर से हम अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा या तो एप्लीकेशन आईडी होगा उसे यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पर जो पासवर्ड गया होगा उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है अगला इंटरफेस देखेंगे इस प्रकार जो है खुल के आ चुका है। आने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ से आपको फादर्स नेम को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद आप किस धर्म को मानते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा हैं या तो सिंगल हैं या तो डिस्कवर हैं, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ में क्या देना है वो सेलेक्ट करेंगे। आईडी प्रूफ का यहाँ पे नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपको आइडेंटिटी मार्क चिन्ह आपको डालना है, बॉडी में कहीं भी कटापटा चिन्ह रहेगा वहां से आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप बिहार के स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती व नाती नातनी हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अब क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल फिल करना है, जो कि यहाँ पे आप किस स्कूल से 10th पास किए हैं वो यहाँ पे आपको दर्शाना है। यहाँ पे किस बोर्ड से पास किए हैं वो दर्शाना है, उनका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है और कब पास किए हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है उनका जो है यहाँ पे परसेंट में आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस में फिल करना है, आपका जो है अस्थाई पता क्या है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में भरना है किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से
अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन नजदीकी का कौन सा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपका पुलिस स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे, अगर दोनों परमानेंट और वर्तमान एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो फिल हो जाएगा। होने के बाद जो है अप्लाई एंड प्रोसेस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगला इंटरफेस जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का है। तो यहाँ से आपको एक फोटो अपलोड करना है जो कि यहाँ पे मिनिमम जो है 10 KB और यहाँ पे मैक्सिमम जो है 100 KB के अंदर होना चाहिए, यहाँ से आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो यहाँ से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, ये भी 10 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th का जो है यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे प्रूफ जैसे कि सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट या तो मार्कशीट होगा तो मार्कशीट यहाँ से आपको अपलोड करना है जो कि 10 से 300 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो है आईडी प्रूफ सर्टिफिकेट में यहाँ से अगर आप आधार कार्ड चुने तो यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना है। उसके बाद जो है आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पे सर्टिफिकेट जो होगा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड करना है 10 से 300 KB के अंदर। अपलोड करने के बाद जो यहाँ पे अप्लाई एंड प्रोसेस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस देखेंगे इस प्रकार जो है आपका खुल के आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद जो है आपका फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ से मिला लेंगे, जो भी आपका फॉर्म का प्रीव्यू होगा मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो है नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो है यहाँ से आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो है फाइनल सबमिट के ऑप्शन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से जो है ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ से देखेंगे हमारा जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पोस्ट होगा जिसमें भी आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जो है यहाँ से दे दिया जाएगा। तो इसे टिक करेंगे, टिक करने के बाद जो है यहाँ पे अप्लाई एंड प्रोसेस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप अब इसका जो है पेमेंट करेंगे। करने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे मेक पेमेंट यूजिंग का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है अगला इंटरफेस देखेंगे इस प्रकार। अभी जो है मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप पेमेंट करने के बाद जो है आप यहाँ से अपना जो है रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे ऐसे टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।